तीन राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान को लेकर चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय को अचानक बदले जाने को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दोपहर 12:30 बजे तय किया गया था, जिसे बदलकर दोपहर 3 बजे कर दिया गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि अजमेर में पीएम नरेंद्र मोदी की उसी समय होने जा रही विजय संकल्प सभा के चलते ही समय को बदला गया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग पहले 12:30 बजे कॉन्फ्रेंस करने वाला था, लेकिन अजमेर में पीएम मोदी की दोपहर 1 बजे होने वाली रैली के चलते कॉन्फ्रेंस का समय बढ़ाकर दोपहर 3 बजे कर दिया गया है। कांग्रेस की ओर से आयोग को लेकर उठाए गए सवाल के बाद सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि क्या वाकई चुनाव आयोग को पीएम मोदी की रैली की वजह से पीछे हटना पड़ा है, जिससे रैली में अड़चन न आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।